पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड सीरीज 2022 का खेला जा रहा है इस वक्त, मुकाबला नंबर 2 और इस मुकाबले का ये चौथा दिन। यहाँ पर चौथे दिन का पहला सेशन जो कि रहा है टीम न्यूजीलैंड के नाम, यहाँ पर न्यूजीलैंड की टीम ने इस पहले सेशन के अंदर 77 रन जो है वो दोस्तों ओवरऑल इस सेशन के अंदर आए। 2 विकेट गिरी, 1 विकेट टीम पाकिस्तान की गिरी और 1 विकेट टीम न्यूजीलैंड की गिरी इस सेशन के अंदर। यहाँ पर न्यूजीलैंड की टीम ने आते ही अपनी विकेट को लूज किया था जब उनकी जी बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर शुरुआत हुई थी। 76 रन टीम न्यूजीलैंड 1 के नुकसान पे है इस वक्त 25 ओवर्स के बाद अपनी सेकेंड इनिंग्स के अंदर। लेकिन परेशान कुन बात यह है टीम पाकिस्तान के लिए कि न्यूजीलैंड की ये लीड 117 रन की हो चुकी है। आज के इस दिन के अंदर 62 ओवर्स का खेल अभी होना बाकी है और इन 62 ओवर्स के अंदर न्यूजीलैंड की टीम अगर थोड़ा एग्रेसिव क्रिकेट खेलती है, 4-5 रन पर ओवर बनाती है तो फिर बल्कि अपने 50 ओवर्स के अंदर अगर वो इतने रन्स को बनाती है तो टारगेट पाकिस्तान की टीम को जो आखिरी 10 ओवर एक दिन और 10 ओवर्स के अंदर दे सकते हैं वो दे सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर कोई कह लीजिए कि 300-325 रन्स का टारगेट दे सकते हैं और मैच को इंटरेस्टिंग वो बना सकते हैं। लेकिन इसके लिए न्यूजीलैंड की टीम को थोड़ी हिम्मत दरकार होगी, थोड़ा तेज़ खेलना पड़ेगा टीम न्यूजीलैंड को और फिर ही इस मुकाबले के अंदर जो रिज़ल्ट है दोस्तों वो थोड़ा पॉसिबल हो पाएगा। अदरवाइज़ ये मुकाबला हमें ड्रॉ की तरफ जाते हुए दिखाई देगा। न्यूजीलैंड की टीम को आज अपनी इनिंग्स को पूरा करते हुए कम अज़ कम लास्ट में जो है वो कह लीजिए कि यहाँ पर अपनी इनिंग्स को डिक्लेयर कर देना चाहिए आज के इस दिन के, और लगभग कोई 10 ओवर्स पाकिस्तान की टीम को बल्लेबाजी करते हुए 1 विकेट को वो अपने नाम अगर कर लेते हैं तो ये एक बेहतर चीज़ रह सकती है। लेकिन दूसरी तरफ टीम पाकिस्तान की जो कोशिश होगी वो ये होगी कि दूसरे और तीसरे सेशन के अंदर अच्छी बॉलिंग करवाते हुए न्यूजीलैंड की टीम को कोलैप्स करवाएं और उनको ऑल आउट कर दें और टारगेट 300 से नीचे का रहे और फिर पाकिस्तान की टीम उस टोटल को चेज़ करने की कोशिश करे कल के दिन के अंदर और आज शाम के वक्त। तो अब देखते हैं कि होने वाला है क्या, बनने वाला है क्या, मौका बन सकता है। लेकिन उसके लिए न्यूजीलैंड की टीम को थोड़ी सी हिम्मत दिखानी पड़ेगी इस मैच को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, अदरवाइज़ ये मैच जो है वो दोस्तों ड्रॉ की तरफ जाते हुए हमें अब दिखाई देने वाला है। अगर तो न्यूजीलैंड की तरफ से यहाँ पर तेज़ क्रिकेट ना खेली गई और उन्होंने टाइम में अपनी इनिंग्स को डिक्लेयर ना किया तो दोस्तों अगर बात की जाए आज सुबह मुकाबले की शुरुआत की, जब मुकाबले की शुरुआत हुई तो 1 विकेट बची हुई थी टीम पाकिस्तान की और वो विकेट पाकिस्तान की टीम बचा नहीं पाई दोस्तों ज़्यादा लंबे टाइम तक, और आते ही पाकिस्तान की टीम ने उस विकेट को लूज़ किया दोस्तों। जब आउट हुए अबरार इस सऊदी की गेंद के ऊपर, वो LBW आउट हुए और पाकिस्तान की टीम कल के स्कोर से, यानी कि कल का स्कोर था टीम पाकिस्तान का 407 रन, उसके अंदर सिर्फ 1 ही रन का इजाफा कर पाई टीम पाकिस्तान और पाकिस्तान की टीम हमें ऑल आउट होते हुए दिखाई दी। यहाँ पर स्कोर कार्ड के ऊपर अगर एक नज़र दौड़ाई जाए तो अब्दुल्ला शफीक ने बनाए 19 रन, 83 रन बनाए इमाम उल हक ने, 165 गेंदों का किया सामना, शान मसूद ने 20 रन बनाए ज़रूर थे और बाबर आजम 24 रन बना सके, जिसके बाद साउद शकील 125 रन बनाकर नॉट आउट रहे। अपनी पहली जो है वो उन्होंने सेंचुरी स्कोर की दोस्तों यहाँ पर इंटरनेशनल क्रिकेट की, लेकिन काफ़ी धीमी क्रिकेट जो है वो, यानी कि स्लो क्रिकेट जो है वो दोस्तों उनकी तरफ से खेली गई इस मुकाबले के अंदर। यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसके बाद सरफराज की इनिंग्स अच्छी थी, 109 गेंदों के ऊपर 78 रन बनाए सरफराज ने, आगा सलमान ने 41 रन बनाए 78 गेंदों का करते हुए सामना, जिन्होंने 7 चौके लगाए। जिसके बाद अगर बात की जाए दोस्तों यहां पर हसन अली की तो 4 रन उन्होंने बनाए, नसीम शाह ने 4 रन बनाए, मीर हमजा ने कोई रन बनाया, अबरार ने कोई रन नहीं बनाया और 10 एक्स्ट्राज की मदद से ये टीम हमें जो स्कोर बनाते हुए दिखाई दी वो 408 रन्स का था 10 विकेट के नुकसान पे। 133 ओवर्स पाकिस्तान की टीम ने बल्लेबाजी की। पार्टनरशिप्स को अगर देखा जाए तो पहली विकेट 27 पर अब्दुल्ला शफीक, दूसरी विकेट 56 के स्कोर पर शान मसूद, तीसरी विकेट 99 के स्कोर पर बाबर आजम, चौथी विकेट 182 के स्कोर पर इमाम उल हक, पाँचवीं विकेट 332 के स्कोर पर सरफराज अहमद, छठी विकेट 385 के स्कोर पर आगा सलमान, सातवीं विकेट 393 के स्कोर पर हसन अली, आठवीं विकेट 397 के स्कोर पर नसीम शाह, नौवीं विकेट 397 के स्कोर पर मीर हमजा और दसवीं विकेट 408 के स्कोर पर जाकर गिरी अबरार अहमद की सूरत में 133वें ओवर के अंदर।
अगर देखा जाए दोस्तों यहाँ पर बॉलिंग को तो 3 विकेटों को एजाज पटेल, 3 विकेटों का सॉरी 1 विकेट को मैट हेनरी, टिम साउथी और डैरल मिचेल ने किया अपने नाम। यहाँ पर इस वक्त न्यूजीलैंड की टीम की बल्लेबाजी जारी है दोस्तों, और न्यूजीलैंड की तरफ से डेवन कॉनवे जो कि हमें बैटिंग करते हुए दिखाई दिए, पहली ही गेंद के ऊपर वो बोल्ड आउट हुए। आज मीर हमज़ा की वो गेंद थी जो कि अंदर की तरफ आई और डेवन कॉनवे की बैट और पैड के दरमियान में से गुजरते हुए जाकर जो है वो दोस्तों वो गेंद स्टंप से टकराई और इस तरह जो है वो दोस्तों आउट हुए यहाँ पर डेवन कॉनवे। लेकिन उसके बाद ये दोनों ही बल्लेबाज दो सीजन प्लेयर 71 रन्स की पार्टनरशिप लगा चुके हैं। टॉम लेथम ने 37 रन्स बना रखे हैं, केन विलियमसन ने 29 रन्स बना रखे हैं। 83 गेंदों का किया हुआ है सामना, 10 एक्स्ट्रास की मदद से ये टीम अब 76 के स्कोर पर मौजूद है। इसके बाद आने वाले प्लेयर्स की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, तो इसके बाद जिन प्लेयर्स को आना है अभी बल्लेबाजी करने के लिए वो हेनरी निकल्स, डैरल मिचेल, टॉम ब्लंडल, मिचेल ब्रैसवेल, ए सॉदी, टिम साउथी, मैट हेनरी एंड एजाज पटेल हैं जिनको अभी आना है बल्लेबाजी करने के लिए। पहली विकेट 5 के स्कोर पर गिर गई थी। पाकिस्तान की बॉलिंग की बात करें तो नसीम ने 5 ओवर्स के अंदर 15 रन देकर कोई भी विकेट नहीं चटकाई। मीर हमजा ने 4 ओवर्स के अंदर 9 रन देकर 1 विकेट को किया अपने नाम। अबरार ने 8 ओवर्स के अंदर 23 रन देकर कोई भी विकेट को नहीं चटकाया हुआ। हसन अली ने 4 ओवर्स के अंदर 10 रन दिए। आगा सलमान ने 4 ओवर्स के अंदर 10 रन अब तक दे रखे हैं। तो ये दोस्तों टीम पाकिस्तान की बॉलिंग की सूरत हाल है अब तक की। अगर देखा जाए दोस्तों यहाँ पर जी बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर अगर बात की जाए तो ICC टेस्ट चैम्पियनशिप के हवाले से अब लेटेस्ट खबरें जो आ रही हैं दोस्तों वो ये आ रही हैं कि ऑस्ट्रेलिया की टीम ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी है। और ऑस्ट्रेलिया की टीम इसलिए क्वालिफाई कर चुकी है क्योंकि यहाँ पर उनकी विन परसेंटेज 78.5% की है। इसी तरह इंडिया की टीम की बात करें तो इंडिया की टीम नंबर 2 पर मौजूद है जिनकी विन परसेंटेज 59 की है। श्रीलंका की टीम 53 की विन परसेंटेज के साथ नंबर 3 पर है। साउथ अफ्रीका की टीम जो है वो नंबर 4 पर मौजूद है 50 की विन परसेंटेज के साथ। और साउथ अफ्रीका की टीम की विन परसेंटेज जो है वो दोस्तों अब इतनी बेहतर नहीं है। और ऑस्ट्रेलिया के साथ जो मुकाबला खेला जा रहा है वहाँ पर भी उनकी पोजीशन जो है वो हमें इस वक्त डावाडोल ही दिखाई दे रही है जो कि स्ट्रगल करते हुए हमें दिखाई दे रही है अभी तक। और रन्स की अगर बात की जाए तो रन्स काफ़ी ज़्यादा खा चुके हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली जो चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं दोस्तों वो ये दिखाई दे रही हैं कि यहाँ पर टीम जो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया है ये हमें ICC टेस्ट चैम्पियनशिप का फाइनल खेलते हुए दिखाई देंगे। आज के इस दिन की अगर बात की जाए तो 62 ओवर्स का खेल अभी होना आज के इस दिन के अंदर अभी बाकी है। और न्यूजीलैंड की टीम को इन 62 ओवर्स के अंदर कम से कम 200 रन्स जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। 50 ओवर्स के अंदर 200 रन्स न्यूजीलैंड की टीम अगर 4 के रन रेट के साथ भी खेलती है तो बना सकती है, और कम से कम ये कोशिश करनी चाहिए टीम न्यूजीलैंड को। और फिर पाकिस्तान की टीम को 325 के आसपास 350 के आसपास का टारगेट अगर देती है टीम न्यूजीलैंड तो पाकिस्तान की टीम भी हमें थोड़ा सा इंटरेस्टिंग दिखाई दे सकती है। अगर 325 का टारगेट हो और आज 10 ओवर्स की बल्लेबाजी टीम पाकिस्तान को दी जाए तो एक अच्छा मुकाबला जो है वो इन दोनों ही टीम्स के दरमियान हमें हम अब होते हुए दिखाई दे सकता है। बहरहाल अब देखते हैं कि बनता है क्या। आप सभी ने वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, यहाँ पर अब अपनी राय का इजहार भी करना है कितने रन का टारगेट होगा। इस वक्त 76 के स्कोर पर है टीम न्यूजीलैंड, 1 के नुकसान पर लीड हो चुकी 117 रन की टीम न्यूजीलैंड की।